नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगी मटर के छोले की रेसिपी। इसे आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और आप इसे पराठे, कुलचे, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसका चाट भी बना के उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रात भर के लिए सफ़ेद मटर को भिगो के रख लिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, उतने में भी फूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुकर में डाल दिया है, उसी के आधा मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा सा नमक और तेल डाला है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं 4 सीटी में अच्छे से कुक कर लेती हूँ। अब इसका भाप निकलने तक साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है, जिसे अच्छे से बारीक कट कर लेते हैं। इसे मैंने ग्राइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मसाले ले लिए हैं। मसाले में मैंने यहाँ पे जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता मैंने ले लिया है। ये मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे छोले की सब्ज़ी में। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप देखते जाइए कि बहुत ही ज़्यादा आपके मटर के छोले टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया था, उसको मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। साथ ही हमने अदरक ले लिया है और 7 से 8 कली लहसुन, इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जो मिक्सर के जार में थोड़े से लगे थे पेस्ट, उसमें इसे हम बाद में ऐड कर देंगे। अब कढ़ाई मैंने रख लिया है, कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच का ऑयल डाल दिए हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम खड़े मसाले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे मसाले को मैंने एक ही साथ डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपको मसाले पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तेल में ही काफ़ी अच्छे से इसकी खुशबू निकल आएगी जब अच्छे से भून जाएगी। तो अब अच्छे से भून गई है, अब इसमें हम ऑनियन को डाल देते हैं। अब इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें 1/4 चम्मच हींग। जी हाँ फ्रेंड, हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप हींग जरूर डालिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अब देखिए, इसे हमें अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसी के साथ मैंने यहाँ पे देखिए 2 हरी मिर्च ले लिया है, इसे भी मैं लंबे में काट लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगेगी ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसे देखिए, हमें अच्छे से भूनते जाना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी, जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हमने कोई भी स्पेशल मसाला यूज़ नहीं किया है। इन्हीं मसालों में स्टेप बाय स्टेप से बहुत ही अच्छा फ्लेवर का मटर के छोले मैंने बनाकर तैयार किया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और मैंने 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पे लास्ट में मैंने डाला है काश्मीरी मिर्च का पाउडर, आप तीखे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ तो इसीलिए मैं काश्मीरी मिर्च पाउडर का उपयोग कर रही हूँ। आपको तीखा ज़्यादा बनाना हो तो आप थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और बहुत ही अच्छे से ये पक जाए। तो देख सकते हैं, 1 मिनट के लिए मसाले को भी मैंने भून लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने लगता है। अब इसमें हम यहाँ पे देखिए मटर को डाल देते हैं। तो मटर देख सकते हैं, ज़्यादा गले भी नहीं हैं और ज़्यादा खड़े भी नहीं हैं। अब इसमें हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं, काफ़ी टेस्टी हमारे मटर के छोले बनकर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे चाट के उपयोग में भी बना सकते हैं और कम ज़्यादा ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको चाट के उपयोग में बनाना हो तो आप पानी की मात्रा कम कीजिएगा। यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ थोड़ी सी ग्रेवी वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पानी का डाल दिया है। पानी जब अच्छे से उबाल आने लगेगी ना तो इसमें हम 1/2 चम्मच लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं गर्म मसाले का पाउडर। जी हाँ, गर्म मसाले का पाउडर लास्ट में हम ऐड करेंगे, मसाला भूनते टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब लास्ट में ऐड कर दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं एक बार वापस से। अब इसे हमें क्या करना है फ्रेंड, ढक कर रख देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में बहुत ही अच्छा ये कुक हो जाएगा। 2 मिनट बाद यहाँ पे देखिए, मैं चेक करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे मटर के छोले काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं एक स्पेशल मसाला डालूंगी। जी हाँ फ्रेंड, वो भी है छोले मसाला।
तो जी हाँ फ्रेंड, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। छोले मसाला आधा चम्मच हम ऐड कर देंगे, इससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है मटर के छोले में। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, अगर हो तो ज़रूर डालिए। अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए कुक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी यम्मी सी हमारी मटर के छोले की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज होगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। आप इसे पराठे, कुलचे, नान के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए चावल बनाया था, चावल और पराठे के साथ मैंने इसे यूज़ किया है। अब चलिए मटर के छोले मैंने निकाल देती हूँ, तो देख सकते हैं कितने टेस्टी से हमारे मटर के छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैंने ऑनियन और नींबू के साथ सर्व कर लिया है। तो लीजिए, हमारी टेस्टी सी थाली तैयार हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही मैं नए नए नाश्ते की रेसिपी, डिनर की रेसिपी आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो जा रही हूँ इन्जॉय करने, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।